भारत माता की, भारत माता की, मोदी योगी, मोदी योगी। यही मीडिया है जो गुजरात में केजरीवाल की सरकार बना रहा था शुरू में। तो केजरीवाल तो अब डाउनफॉल है केजरीवाल का। आप देखते नहीं दिल्ली के अंदर 3% वोट इसका गिरा है। अब केजरीवाल डाउनफॉल है, बस खत्म। जहां तक आना था जितना गुब्बारे का फूलना था ना केजरीवाल का, उतना गुब्बारा फूल गया। अब वो गुब्बारा फटने वाला है केजरीवाल का, भी यही तक एंड है। आप दिल्ली में देखो कितने परसेंट वोट, 6% वोट उसका कम हुआ है दिल्ली में, उसका 10-12% उसका वोट कम हुआ है। तो यानी कि अब केजरीवाल का जितना गुब्बारा भरना था भर गया और फूटेगा। 2024 400 बार भाजपा लोकसभा में 400 सीटें, गुजरात हमारी लैब है 150। कुछ नहीं फर्क पड़ता इन कॉर्पोरेशन वार्पोरेशन से। तो यानी गुजरात ने दिखा दिया है कि आने वाले 2024 में मोदी जी 400 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं राहुल ने मेहनत करी तो हिमाचल जीत गए, प्रियंका गांधी गई थी, गुजरात नहीं गए इसलिए। हिमाचल में क्या होता है, वहाँ सेब की राजनीति होती है, कभी वो कभी वो। जब व्यापारी को रेट वगैरह कुछ नहीं मिलता उसमें थोड़ी कमियां आई है, पर अगली बार उस कमियों को जो दूर किया जाएगा 40-45 सीट आपकी अगली बार हिमाचल। वो तो कह रहे हैं प्रियंका गुजरात में नहीं गई, राहुल नहीं गया इसलिए भाजपा जीत गई। अरे ये कांग्रेस जिन्होंने देश तोड़ा, जिन्होंने बंटवारा किया, आज वो जोड़ने निकले हैं। इन्होंने मरवा दिए लोगों को, बेगुनाह लोगों को कांग्रेस ने मरवा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने बेगुनाह लोगों को पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान से आए लोग, हम बेगुनाह मारे गए हमारे बाप दादा। 2024 के लिए गठबंधन बन रहा है ममता बनर्जी केजरीवाल नीतीश, ये सारे गठबंधन धरे के धरे रह जाएंगे। गुजरात ने जो 150 सीटों से ऊपर आई है ना, ये हमारी लैब है, गुजरात हमारी लैब है। इसने दिखा दिया कि आने वाले समय में 400 सीटें हमें मिलेंगी, 400 सीटें। अच्छा लेकिन जो है बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, RLD JDU सब मिलाकर के, सब मौके प्रस्त लोग हैं, ये सब मौके प्रस्त लोग हैं। 2024 में सब साफ हो जाएंगे, 400 सीटें जाएंगी। आज आप देख लीजिए मोदी जी देश के लिए विश्व के लीडर है। आज हमारी इकोनॉमी देख लीजिए 5 ट्रिलियन पर जा रही है। हम आज महंगाई दर देख लीजिए भारत में सबसे कम है, और हमारा रुपया सबसे सिर्फ मात्र 9% गिरा हर कंट्री का। कही लीरा का लीरा, टर्की का लीरा 300% गिरा लीरा, और हमारा सिर्फ 9%, हमारी $5 ट्रिलियन की जा रही है। और हमारी GDP देखिए, और विश्व के अंदर मोदी जी जब जाते हैं कैसे उनका स्वागत होता है, कैसे ये फ्री ट्रेड जो जो हो रहे हैं, सारे गठबंधन हो रहे, फ्री ट्रेड जो व्यापार हो रहा है, ये देश के लिए नहीं हो रहा, किसके लिए हो रहा है? फ्री बांटने से कुछ नहीं होगा, फ्री में उसका मेजनूला का हाल देखा, फ्री में बांटने में क्या हुआ, देश बर्बाद हो गया। फ्री से कुछ नहीं होगा, मेहनत करे। राहुल गांधी भारत जोड़ी यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अब जो है 2024 में मोदी को हराने की तैयारी। सर मैंने बता दिया, जिन्होंने बंटवारा करा के हमें मरवाया, हम वहाँ से हम रिफ्यूजी हैं, हम वहाँ से हमारे दादा परदादा को मारा गया, जिन्होंने बंटवारा किया, जिन्होंने टुकड़े करवाए, आज वो आज जोड़ों में निकले हैं। कुछ नहीं इनकी उस चीज में कुछ नहीं अंतर पड़ेगा। सारा गठबंधन बना के कह रहे हैं मोदी को हरा, वो अपना परिवार जोड़ रहे हैं, अपनी कांग्रेस ही बचा ले बहुत है, कांग्रेस को ही बचा ले बहुत है, और अपने परिवार को बचा ले बहुत है। जो माल गया हुआ ना बूढ़ी काकी इटली ले गई है, वो सब निकाला जाएगा। ममता बनर्जी जो है ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में हम किसी का नहीं चलने देंगे, या केवल हमारा खेला चलेगा। ममता बनर्जी जो है 2024 में मुश्किल से 4-5 सीट जीत पाएगी, इससे ज्यादा नहीं जीत पाएगी, और मोदी जी का जादू चलेगा वहाँ, क्योंकि ममता जी की विदेश। मेरे आसपास आप देख रहे हैं ये भाजपा का मुख्यालय, और यहाँ भाजपा के समर्थन में जो कार्यकर्ता आए हैं, ये गुजरात में जो रिकॉर्ड तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जीत का जश्न है। और यहाँ एक रिकॉर्ड और बनाया गया है कि जो एक पार्टी ऐसी थी जो आंदोलन से पैदा हुई, मीडिया ने उसको हीरो बनाया, उसका भी सुपड़ा साफ हुआ है। जहाँ भी चुनाव हुए हैं, अगर छोटे मोटे चुनाव की बात छोड़ दें जिसको लेकर के मीडिया एक नैरेटिव चलाना चाहता था, लेकिन असली बात ये है कि जो फर्जी मुद्दे फर्जी वादों के सहारे इस देश की राजनीति में आना चाहते थे, उनके नैरेटिव को जनता ने फेल कर दिया। और गुजरात की जीत ने ये बता दिया कि यदि आपको इस भारत की राजनीति में टिके रहना है, और आपको भाजपा में इसी तरह या भारतीय जनता पार्टी ने जैसा गुजरात में रिकॉर्ड बनाया है कि बार बार आपको राजनीति में जनता पसंद करती है, तो फ्री की रेवड़ी आप यदि बांटेंगे तो देश की जनता ना तो स्वार्थी है ना तो लालची है। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग जरूर हो सकते हैं,
जो आपके पीछे कुछ दिनों झंडा लेकर चल सकते हैं, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है और जो सभ्यता है, वो जो हमारे संस्कार हैं, वो यही कहते हैं कि हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए और इस भारत को विश्व गुरु बनाना है। और जो एक ही पार्टी बनाती हुई दिख रही है, जिसकी विचारधारा इस देश को ऊपर ले जाने की है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए इसमें उत्साह है, क्योंकि गुजरात में जो रिकॉर्ड टूटा है, वो आजाद भारत में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं। उस जीत में जो चीजें छुपी हुई है, उसमें आप ये देखिए कि जो फर्जी वादे करना चाहते थे, फ्री की बिजली, फ्री की पानी, फ्री की दारू, उनका सीएम कैंडिडेट भी हार गया, उनका प्रदेश अध्यक्ष भी हार गया, और ज्यादातर सीटों पर यानी 90% सीटों पर जमानत जब्त हुई है। ये है हमारे भारत का जो कल्चर है कि यहाँ फ्री की रेवड़ी बांटने वालों की कोई बात नहीं करना चाहता। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह एक्सपोज हुई है, उसके बाद अब इस तरह की राजनीति करने वालों की अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ये बता दिया है गुजरात के रिजल्ट ने। गुजरात के रिजल्ट से एक बात और तय हुई है कि यदि आप देश के विकास की बात करते हैं, यदि आप जनता की मुद्दों से जुड़ते हैं और जनता की ठीक बातों को समझते हैं, जैसे गुजरात के कच्छ एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास रचा है, वहाँ पानी की एक समस्या थी और उस पानी की समस्या को लेकर के जिस तरह से एनजीओ के नाम पर कुछ लोगों ने अड़ंगे अटकाए थे, उनका मकसद यही था जो आज दिखाई दे रहा है कि अगर ये जो एनजीओ है, मेधा पाटकर जैसे व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, ये वहाँ बांध की ऊंचाई इसीलिए रोकना चाहते थे कि ये कल को गुजरात में फ्री रेवड़ी के नाम पर सरकार बना सके। आज जो कच्छ और सौराष्ट्र से रिजल्ट आए हैं, वहाँ ये बता रहा है कि विकास में बाधा बनने का इनका मकसद क्या था। और ये है मोदी का मॉडल, ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल, जिसने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। क्या कहोगे आज की भाजपा की जीत पर? इस प्रचंड जीत पर जो है सभी भाजपाई बहुत खुश हैं और आदरणीय मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए भाजपा मुख्यालय पर एकत्रित हुए हैं। हम लोग भोपरा मंडल की टीम के साथ आए हैं, यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं भोपरा क्षेत्र से, यहाँ भोपरा मंडल से, सभी वार्डों से सारी जनता उनका उद्बोधन सुनने के लिए उपस्थित है। क्या कहोगे जो चुनाव में जीत हुई है, प्रचंड इतिहास रचा है भाजपा ने, इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? मैं विपिन डागर, सिकंदरपुर निवास है हमारा गाजियाबाद में, और आज जो ये गुजरात की जीत हुई है, ये नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। जो इतनी मेहनत कार्यकर्ता करते हैं, मोदी जी उनसे दो कदम आगे बढ़कर करते हैं, और आने वाले अगले चुनाव में भी, यूपी के अगले चुनाव में भी स्पष्ट बहुमत होगा। उत्तर प्रदेश में भी सपा का जो गढ़ कहा जाता है रामपुर, जहाँ से एक मुश्त जो है आजम खान जीत रहे थे, उसको भी भाजपा ने जीता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? रामपुर की हालत तो ऐसी है जैसी चूहे की हालत होती है, ऐसी ही आजम खां की होती है। तो वहाँ तो वो जीत नहीं थे, बीजेपी जीत नहीं थी वहाँ तो, और आजम खां हारेगा, जब तक रहेगा तब तक हारेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी योगी, मोदी योगी, भारत माता की जय। बोलो भाई साहब, मैं गांव पसमले से अपने भोपरा मंडल की टीम के साथ आया हूं, और मैं कहना चाहता हूं मोदी जी हैं तो मुमकिन है हर चीज मुमकिन है। क्या कह रहे हो इस चुनाव को देखते हुए, जो फ्री की रेवड़ी बांटने वाली पार्टियां थी, उनको पूरी तरह नकार दिया गया है जहां जहां भी चुनाव हुए, तो क्या अब आगे विकास का मुद्दा चलेगा? क्या कहते हैं, विकास का मुद्दा भी चलेगा आगे, और मोदी जी हैं तो मुमकिन रहेंगे। भारत माता की जय। जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब इस जीत पर? इस जीत पर ऐसी ऐतिहासिक जीत हुई है जो आज तक नहीं हुई। इस जीत में एक खास बात है कि जो एक पार्टी अभी थोड़े दिनों पहले आंदोलन से उभरी, उसका सूपड़ा साफ हो गया है। क्या कहते हैं इसका आने वाले चुनाव पे असर पड़ेगा? 2024 के चुनाव में हम इतनी अप्रत्याशित जीत लेके आएंगे जिसका जो है यहाँ की झाड़ू वाली पार्टी है और जितनी भी पार्टी है उन्हें सोचा नहीं होगा। भविष्य मोदी जी के साथ सुनहरा है, बहुत अच्छा है, और हम लोग जो है आगे नित्य नई नई जीत बनाते रहेंगे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद।